मित्रों जय माता दी, आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। धर्म शिक्षा में हर रोज की तरह एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आज का संपूर्ण राशिफल लेके। ये राशिफल है मंगलवार यानी कि 28 जनवरी 2020 का। अगर हिंदी कैलेंडर यानी कि अपने पंचांग की बात करें तो आज है विक्रम संवत 2076 माघ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, जो कि आज पूरे दिन रहने वाला है। नक्षत्र आज रहने वाला सतभिषा, जो कि आज सुबह के 7:42 तक रहेगा। उसके बाद पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। व्रत त्यौहार में आज है वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत, साथ ही तिल चौथ भी आज है। मित्रों आज के संपूर्ण राशिफल में हम जानने वाले हैं कुल 12 राशियों का आज का राशिफल। साथ ही हम जानेंगे आज का शुभ समय, अशुभ समय, दिशाशूल, शुभ खाद्य, भाग्यवर्धक उपाय, राशि अनुसार क्या खाद्य पदार्थ आपके लिए शुभ रहेगा तथा राशि अनुसार कौन सा रंग आपके लिए आज शुभ रहने वाला है। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और संपूर्ण राशिफल का लाभ उठावें। जिन मित्रों को भी अभी तक अपनी सही राशि पता नहीं चल पाई है, वे हमें ठीक इसी प्रकार से अपना पूरा विवरण लिख के दें, जिसमें कि आप हमें बताएंगे अपने जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान ठीक इसी प्रकार से, ताकि हम आपकी कुंडली को देख पाएं और आपको बता पाए कि आपकी सही राशि क्या है और आप अपना सटीक राशिफल हर रोज धर्म शिक्षा चैनल पर देख पाएं। मित्रों अगर आपको हमारा आज का ये राशिफल का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया में जय माता दी लिखें। अगर आपके कुछ सुझाव हों तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर निश्चित तौर पर बताएं। मित्रों आज के 12 राशि का राशिफल आपको बताना आरंभ करूं, इससे पहले आइए जान लेते हैं आज ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है उसी पर पूरा का पूरा राशिफल निर्भर करता है। आज राहु मिथुन राशि में, मंगल वृश्चिक राशि में, गुरु केतु के साथ धनु राशि में, शनि सूर्य बुध के साथ मकर राशि में, चंद्रमा शुक्र के साथ आज कुंभ राशि में। तो इन्हीं सभी ग्रहों का मिला हाल आज के राशिफल में हम जानने वाले हैं। तो आइए अब बात करेंगे पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि में चंद्रमा आज तीसरे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण आपको आपके कार्यों में, चाहे जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। ऑफिस के कुछ महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी भी आज आपको मिल सकती है। आज अगर आप अच्छी योजना बनाकर कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको हर कार्य में सफलता होगी। आज जो भी करें धैर्यपूर्वक करें, धैर्य बिल्कुल न खोएं। दिन भर आपका मन खुश रहेगा। संतान की तरफ से भी कुछ अच्छी खबर आपको आज मिल सकती है। आज घर में कोई धार्मिक कार्य भी कर सकते हैं, ऐसे मौके लगे तो निश्चित तौर पर धार्मिक कार्य घर में करिए और करते ही रहिए, अक्सर करते रहिए, इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो आय के नए स्रोतों में बढ़ोतरी होगी, नौकरी में भी तरक्की की संभावना बनेगी, लेकिन साथ ही ऑफिस में भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है आपकी। वस्त्रों के खरीद में आपके पैसे भी खर्च हो सकते हैं, लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो परिवार में खुशहाली का वातावरण भी बना रहेगा। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो जो जातक मेडिकल के विद्यार्थी है उनके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, उनको सफलता की प्राप्ति होगी। बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। प्रेम संबंध की बात करें तो अपने जीवन साथी की भावनाओं का आज ख्याल रखें, आज आपके जीवन साथी ज़्यादा भावुक भी हो सकते हैं। आज के दिन अगर चांदी के बर्तन में खीर खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग ऑरेंज कलर। बात करेंगे वृष राशि की, वृष राशि में चंद्रमा आज चौथे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपके सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं, साथ ही आपके कोई परिजन आज आपसे नाराज भी हो सकते हैं। आज अपने वाहन को सावधानीपूर्वक चलाएं, दुर्घटना की संभावना बन रही है, जिससे आपको संभल कर रहना चाहिए। साथ ही अपनी भावनाओं को भी नियंत्रण में रखें, क्योंकि इन भावनाओं के कारण आपके बने हुए काम भी आज बिगड़ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको संयम रखने की आवश्यकता है। नए वाहन खरीदने का मन भी आपका बन सकता है, मकान और भूमि का सुख भी प्राप्त होगा। जो जातक खेलकूद से संबंध रखते हैं उन्हें सफलता की प्राप्ति हो सकती है। महिला जातकों के लिए आज उन्नति का अच्छा अवसर भी बनेगा। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो व्यापारियों के लिए आज का सामान्य रहने वाला है। निवेश करेंगे तो फायदे में बिल्कुल रहेंगे। पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी बन रहे हैं। महिला जातकों के आय में आज वृद्धि भी होगी। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो जो जातक मेडिकल के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का समय अच्छा रहने वाला है, सफलता उनको मिलेगी। बात करें स्वास्थ्य की, तो आज आपके सिर में थोड़ा दर्द रह सकता है, लेकिन कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य आज बढ़िया रहेगा। बात करें प्रेम संबंध की, तो आज जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है और यह आपके प्रेम संबंध के लिए अच्छा भी रहने वाला है। आज के दिन मसूर की दाल खाते हैं तो आपके शुभ रहेगा,
आपके लिए आज का शुभ रंग लाल रंग। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि में चंद्रमा आज पांचवें स्थान में विराजित है, जिसके प्रसुभ आज आप घर तथा ऑफिस दोनों की जिम्मेदारियां अच्छे से निभा पाएंगे। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आज आपका ज़्यादातर समय आपके शुभचिंतकों के साथ, जो कि आपका अच्छा चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ बीतेगा। किसी से आपको कुछ उपहार भी आज मिल सकता है। किसी पर भी आज अपनी बात थोपने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जो भी कराना हो बहुत ही अच्छे से, सावधानी से और सामंजस्य से करवाएं, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात करेंगे व्यापार और धन की। तो आज आपको व्यापार में कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ सकता है। बड़े निवेश करने से बिल्कुल बचें। जो अब तक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। नौकरी में परिवर्तन की संभावना भी बन रही है। उच्च पद की प्राप्ति आपको हो सकती है, साथ ही आपकी आय में भी वृद्धि होगी। बात करेंगे विद्यार्थी की। तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। मेहनत करें, सफलता की प्राप्ति आपको होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट संबंधी कोई दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। आज मसालेदार खाने और बाहर के खाने से बचें, इससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। प्रेम संबंध की बात करें, प्रेम संबंधों के लिए आज कहीं अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग और प्यार आपको मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपके काम भी आज बनेंगे। आज की अगर हरी सब्जियां खाते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग मैरून रंग। बात करेंगे आप कर्क राशि की। कर्क राशि में चंद्रमा आज छठे स्थान में विराजित है, जिसके प्रसुभ आज आपके कोई राज सार्वजनिक हो सकते हैं, तो सचेत रहें। आज किसी पर आक्रामक होने के बजाय शांति से काम लें। आपके दोस्तों का भी सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। परिश्रम ज़्यादा करना पड़ सकता है। साथ ही आज अपने वाहन को चलाते समय भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। बात करेंगे व्यापार और धन की। तो आज आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। बच्चों से जुड़े मामले में अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आपको आज फायदा होगा। व्यापार में आज आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। बात करेंगे विद्यार्थी की। तो विद्यार्थियों को आज सफलता प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। जो विद्यार्थी कॉमर्स के फील्ड के हैं उन्हें मेहनत से ज़्यादा फल की प्राप्ति भी हो सकती है। विद्यार्थीगण मेहनत में किसी प्रकार की कमी बिल्कुल ना रखें। बात करेंगे स्वास्थ्य की। तो महिला जातक को अपने स्वास्थ्य के प्रति आज सचेत रहना होगा। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बात करें प्रेम संबंध की। तो आज अपने जीवन साथी को समय दे पाएंगे। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम भी आपका बन सकता है और यह आपके प्रेम संबंध के लिए अच्छा भी रहेगा। आज के दिन गेहूं से बनी हुई चीज़ें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग लाल रंग। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि में चंद्रमा आज सातवें स्थान में विराजित है, जिसके प्रसुभ आज आप अपने कामों में व्यस्त रहेंगे। आज आप पर काम का लोड ज़्यादा रह सकता है। आज अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखें, यह क्रोध आपको हानि करा सकता है। बेरोजगार जातकों को किसी मित्र के सहयोग से आज नौकरी लग सकती है। परिवार की किसी विशेष चिंता का समाधान भी संभव है। सरकारी कार्यों से आपको सफलता मिलेगी। बात करेंगे व्यापार और धन की। तो व्यापार में आज नई योजना बन सकती है, जिससे आपको फायदा होगा। आज आप लेन देन में अपने सावधानी बरतें। अगर निवेश करना हो तो निवेश सोच समझ कर करें। जो भी अनुभवी लोग हैं, आपके शुभचिंतक हैं, ऐसे लोगों से सलाह करके ही निवेश करें। बात करें विद्यार्थी की। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई पर कम लगेगा। कुछ विद्यार्थी आज अपने परीक्षा परिणाम से असहमत भी रह सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो सांस से संबंधित कुछ परेशानी आपको रह सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रेम संबंध की बात करें तो आज जीवन साथी से अनबन की संभावना बन रही है, तो अपने आप पर नियंत्रण रखें, संबंध अच्छे बनाए रखें। आज के दिन अगर तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग केसरिया रंग। बात करेंगे अब कन्या राशि की। कन्या राशि में चंद्रमा आज आठवें स्थान में विराजित है, जिसके प्रसुभ बात करने की आपकी कला से आपके रुके हुए और फंसे हुए काम आज बन सकते हैं। अगर सीधी बात कहेंगे तो आपको फायदा होगा। नए कामकाज की प्लानिंग भी हो सकती है। आज के दिन अगर किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं तो बिल्कुल सोच समझ कर करें। परिवार या फिर पैसे से जुड़ी हुई परेशानियां भी आ सकती है। मन में घबराहट भी रह सकती है। विवादों से आपको बचना चाहिए। आज बात करें कन्या राशि के व्यापार और धन की। तो व्यापार में आज उतार चढ़ाव आ सकता है। खर्च आपका बढ़ सकता है, साथ ही पैसे की दिक्कत भी बनी रह सकती है। बात करेंगे विद्यार्थी की। तो विद्यार्थियों के लिए आज कुछ सीखने का अच्छा अवसर बनेगा। वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए आज सफलता के योग भी बनेंगे। बात करें स्वास्थ्य की। तो मानसिक अशांति बनी रह सकती है। किसी प्रकार की चिंता आपको रह सकती है, साथ ही थकान और आलस्य भी बना रहेगा।
बात करें प्रेम संबंध की, तो जीवन साथी के साथ आपका दिन अच्छा बीतेगा, जीवन साथी से सम्मान और प्यार आपको मिलेगा। आज के दिन गुरु अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग लाल रंग। बात करेंगे अब तुला राशि की। तुला राशि में चंद्रमा आज नौवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है और आप इस बढ़ी हुई जिम्मेदारी का निर्वाह भी अच्छे ढंग से कर पाएंगे। आसपास के लोग आपकी तारीफ करेंगे। मकान या काम करने के जगह के विषय में बदलाव का मन आपका हो सकता है। आपका आज पूजा पाठ में मन लगेगा। वाहन या जमीन खरीदने के योग भी आपके लिए बन सकते हैं। आज आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। जो यात्रा कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। बात करेंगे तुला राशि के व्यापार और धन की, तो व्यापार या नौकरी में आज आपको फायदा होगा। कहीं अगर आपने अपने पैसे निवेश कर रखे हैं तो आपको फायदे वहां से भी हो सकते हैं। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज के दिन अच्छा रहने वाला है। कुछ अध्ययन करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें मेहनत से ज़्यादा फल की प्राप्ति हो सकती है। बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई रोग या मौसमी बीमारियाँ आपको हो सकती है, तो सावधान रहें। सर्दी खांसी से बिल्कुल बचें, ठंड से बिल्कुल बचें। आज आपकी मानसिक शांति भी अस्थिर रह सकती है। बात करें प्रेम संबंध की, प्रेम संबंधों के लिए आज कहीं अच्छा रहने वाला है। जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव या विवाह का योग आज बन सकता है। आज के दिन दूध से बनी हुई चीजें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग भगवा रंग। बात करेंगे अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में चंद्रमा आज दसवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आपकी रहन सहन की स्थिति में आज सुधार आ सकता है। कुछ सामाजिक कार्य करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। आज अपना काम आप जितनी भी विनम्रता से करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। वाणी पर अपने नियंत्रण रखें, किसी से भी आज वाद विवाद आपके हो सकते हैं। साथ ही आपके यहाँ किसी मेहमान का आगमन भी आज हो सकता है। आपके बच्चों का सहयोग भी आपको मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आज आपकी हो सकती है। लंबी यात्रा करने से बिल्कुल बचें। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो आज आपके धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी। साथ ही आपके बचाए हुए पैसों में आज कमी आ सकती है, खर्च भी आपका बढ़ सकता है। तो व्यापार और धन की दृष्टि से मिला जुला असर रहने वाला है। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों को आज थकान और आलस महसूस हो सकता है। इन दोनों पर विजय पाने की कोशिश करें, सफलता आपको तभी मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पेट संबंधी छोटी मोटी बीमारियों से आज पीड़ित रह सकते हैं। गैस हो सकता है तो बाहर के खाने से बचें, इससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बात करेंगे प्रेम संबंध की, तो आज अपने जीवन साथी के साथ ज़्यादा समय बिताएं, कहीं घूमने जाएं, इससे आपके संबंध बेहतर होंगे। आज के दिन उड़द की दाल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग लाल रंग। बात करेंगे धनुराशि की, धनुराशि में चंद्रमा आज 11वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है। तो आपस में सामंजस्य बनाए रखें। मित्रों का आज आपको भरपूर सहयोग भी प्राप्त होगा। आज आप अपने मन की बात किसी से शेयर ना करें। आज हो सकता है आपकी गतिविधियों पर कोई और भी नज़र रख रहा हो, तो सावधान रहें। अपनी हर रोज की आदतों से आज बचें भी। माता पिता का आज आपको भरपूर सहयोग भी प्राप्त होगा। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ भी मिलेगा। आपका आर्थिक बजट आज थोड़ा डगमगा सकता है, तो अपने खर्च पर नियंत्रण रखें। आज आपके खर्च भी ज़्यादा हो सकते हैं। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में लगेगा। जो विद्यार्थी मेहनत करेंगे उन्हें सफलता की प्राप्ति भी जरूर होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। सुबह सुबह अंकुरित अनाज खाएं, इससे आपका पेट साफ रहेगा, स्वस्थ भी रहेंगे। बात करें प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। जीवन साथी से कुछ वाद विवाद आपके हो सकते हैं, तो आज के दिन थोड़ा संभल कर बोलें, मधुर वाणी बोलें, विवादों से भी बचें। आज के दिन चांदी के बर्तन में खीर खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग ऑरेंज कलर। बात करेंगे मकर राशि की, मकर राशि में चंद्रमा आज 12वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज के दिन आप अपने कैरियर में बदलाव करने का विचार कर सकते हैं। आज का बनाया हुआ योजना आपको आने वाले दिनों में सफलता की प्राप्ति करा सकता है। जो अब तक मकान या भूमि खरीदने का प्रयास कर रहे हैं उनकी खोज भी आज पूरी हो सकती है। आज पूरे दिन आप अपने पारिवारिक काम में व्यस्त रहेंगे। धार्मिक कार्य और पूजा पाठ में भी आपका मन आज लगेगा। आज आपको आपके मित्रों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो कहीं पैसे निवेश करते समय आज के दिन थोड़ी सावधानी बरतने की आपको जरूरत है। तो कहीं अगर निवेश करना हो तो बहुत ही सोच समझ कर करें और नियोजित ढंग से करें।
बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा करने के बाद भी करें, जो भी अनुभवी लोग हैं उनसे सलाह लें। आज आपके खर्च बढ़ सकते हैं, साथ ही जमा किए हुए पैसों में भी कमी आ सकती है, लेकिन आय के स्रोतों में बढ़ोतरी भी आज संभव है। बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थीगण अपने बीते हुए समय में जितना भी मेहनत किए होंगे उसका फल उनको अब मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, लेकिन अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ उनका स्वास्थ्य आज थोड़ा डगमगा सकता है, तो उनका ध्यान रखें। बात करें प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मध्यम रहने वाला है। जीवन साथी से कुछ हल्की नोकझोंक हो सकती है, लेकिन सब कुछ बाद में सामान्य भी हो जाएगा। आज के दिन दूध से बनी हुई चीज़ें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग लाल रंग। बात करें कुंभ राशि की, कुंभ राशि में चंद्रमा आज प्रथम स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने से बड़े अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। आज आप मधुर वाणी बोलिए, मीठा बोलिए, आपके सारे काम बनते रहेंगे। आज के दिन अपने पिता का भी भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा, आपका मनोबल भी बना रहेगा। आज आपको सलाह दी जाती है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, किसी से भी अपने दिल की बात शेयर ना करें, खास करके ऐसी कोई बात जो आपको हानि कल को पहुंचा सकता हो। बात करें कुंभ राशि के व्यापार और धन की, तो आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज नए व्यापार के लिए भी अच्छा दिन है, व्यापार में लाभ होगा, आमदनी भी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज आपको आय के नए स्रोत विकसित करने में भी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। वस्त्र और आभूषण खरीदने के योग भी बन रहे हैं। बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा नकारात्मक रह सकता है। आपको आलस्य और निंद्रा आ सकती है, तो आलस्य और निंद्रा का त्याग कर इन दोनों पर विजय पाएं और अपना ध्यान अपने पढ़ाई पर लगाएं। स्वास्थ्य की बात करें तो आपका स्वास्थ्य आज सामान्य रहेगा, लेकिन अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि उनका स्वास्थ्य आज थोड़ा डगमगा सकता है, तो उनका ख्याल रखें। प्रेम संबंध की बात करें तो पति पत्नी के बीच आज किसी प्रकार की गलतफहमी दूर हो सकती है। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। आज के दिन केला अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग लाल रंग। बात करें मीन राशि की, मीन राशि में चंद्रमा आज दूसरे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग आपके बन सकते हैं। आपकी कोई महत्वाकांक्षा आज पूरी हो सकती है। आज के दिन आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे, किसी फालतू के काम के कारण भी आपका समय आज बर्बाद हो सकता है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें और अपना समय अपने कार्य क्षेत्र में ही लगाएं। आज के दिन अनुकूल स्थिति आपके लिए बनी रहेगी, आज आप अपने मन की करने की भी कोशिश करेंगे। बात करें व्यापार और धन की, तो व्यापार में जोखिम लेने से आपको बचना होगा। किसी को अगर आपने पैसे उधार दे रखे हैं तो वहाँ से पैसे आपको आज मिल सकते हैं। जो यहाँ तक दलाली का काम करते हैं उन्हें आज नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आज आपका खर्च आपके आय से अधिक हो सकता है, तो अपने खर्च पर बिल्कुल नियंत्रण रखें। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मध्यम रहने वाला है। मेहनत से कम आपको सफलता की प्राप्ति होगी, फिर भी मेहनत में किसी प्रकार की कमी बिल्कुल ना रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो किसी पुराने रोग से छुटकारा मिल सकता है आपको, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंध की बात करें तो आज अपने जीवन साथी के व्यवहार से सावधान रहें, अचानक से कोई प्रतिक्रिया ना दें, रिश्तों में इससे खटास भी उत्पन्न हो सकती है। आज के दिन हरी सब्जियां खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग मैरून रंग। तो मित्रों ये था आज के 12 राशि का राशिफल। अब जान लेते हैं आज का शुभ समय। आज का शुभ समय यानी कि गुलिकाल रहने वाला है दिन के 12:34 से लेकर 1:54 तक। इस समय कुछ भी नया कार्य आरंभ करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आज का अशुभ समय यानी कि राहुकाल रहने वाला है दिन के 3:15 से लेकर शाम के 4:36 तक। इस समय कुछ भी नया कार्य आरंभ करेंगे तो उसमें आपको असफलता हाथ लग सकती है। दिशाशूल रहने वाला है उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में किसी खास प्रयोजन से यात्रा आज ना करें। शुभ खाद्य आज का रहने वाला है गुड़। गुड़ खाकर यात्रा आरंभ करेंगे, आपके कार्य आज बनेंगे। मित्रों आइए अब जान लेते हैं आज के भाग्यवर्धक उपाय को। मित्रों आज दिन है मंगलवार का और मंगलवार के दिन आज वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत भी है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, जो भी घर के सदस्य हैं उनमें आपस में नहीं बनती है, तो आपको क्या करना चाहिए, विनायकी गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के ऊपर जो सफ़ेद पुष्प चढ़े हों उनमें से एक पुष्प लीजिए और अपने घर के मुख्य द्वार के पास उसे लटका दीजिए। ऐसा करने से घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, घर के सदस्यों के बीच में आपसी सामंजस्य बनता है।
तो मित्रों ये था आज का संपूर्ण राशिफल। कल के संपूर्ण राशिफल के जुड़े धर्म शिक्षा के साथ, और देखते रहे धर्म शिक्षा। जय माता दी।